और कभी कभी काफी अच्छी भी लगती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों की असली आवाजें। सबसे पहले हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ने वाले हैं और ब्रह्मांड की आवाज से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की कर ली है। हमने न सिर्फ सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज का पता लगाया है, बल्कि इसके साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडिएशन को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स के शुरुआती दौर की आवाज को भी जानने की कोशिश की है। हालांकि हमें इसमें पूरी तरह से कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज को सुन पाने में सफल रहे हैं। जब हम कॉस्मोस की शुरुआती मिलियन ईयर्स की आवाज को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं, तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट फिर भारी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज को दर्शाती है। वीनस साउंड। पृथ्वी की बहन कही जाने वाली वीनस हमारे सौर मंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत मौजूद है। इसी वजह से वीनस की आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है, वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड वेव्स की बात करते हैं, तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है, क्योंकि वीनस पर बिजली कड़कती है, इसलिए हमें वीनस की आवाज में लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिलती है। नेपच्यून साउंड। अब सुनते हैं नेपच्यून ग्रह की आवाज। वैसे दोस्तों, नेपच्यून भी आवाज के मामले में यूरेनस जैसा ही है। वॉयस द्वारा कैप्चर की गई इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समंदर पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है, और ये जो आप सुन रहे हैं